हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक LG फेल्ट्रॉन CRT टीवी आया है रिपेयर के लिए, और यह टीवी दोस्तों 21 इंची का है, और इसमें प्रॉब्लम है स्टैंड बाई का, और इसमें सप्लाई लाइन देने पर दोस्तों इसमें से ची ची चू चू की आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों चलिए हम इसमें सप्लाई देकर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें सप्लाई दे दिया है, देखिए इसमें से चूई चूई की आवाज़ दोस्तों आ रहा है, आपको सुना देते हैं साफ है। देख लीजिए चूई चूई की आवाज दोस्तों इससे आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को दोस्तों हम रिपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टीवी को खोलते हैं और टीवी के पीछे चलेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल करें, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक स्थिर से देखिए, वीडियो को बिना भगाए हुए, तभी दोस्तों आप समझिएगा। वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो दोस्तों नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए खोल के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हम टीवी को पीछे से कैबिनेट खोल दिए हैं। ये LG का दोस्तों ओरिजिनल बोर्ड है, और इसमें जो सिस्टम IC लगा हुआ है दोस्तों वो TDA 9340 PS है, N3A/1923 दोस्तों, यही इसका सिस्टम IC लगा हुआ है। तो चलिए एक बार दोस्तों और इसमें सप्लाई देते हैं और इसका देखते हैं चूई चूई की आवाज़। तो देखिए दोस्तों हम इसमें सप्लाई दे दिए, देखिए इसमें से ची ची की आवाज़ दोस्तों ज़ोर से अब होने लगा। टीवी खोल दिए हैं तो ठीक है। तो दोस्तों इसका कुछ पिन छटका देते हैं ताकि चेक करने में हमको सुविधा हो। आवाज़ आप साफ सुन रहे हैं, इसमें से चूई चूई की आवाज़ दोस्तों आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों इसका वोल्टेज सबसे पहले चेक करेंगे और देखेंगे कि आखिर फॉल्ट क्या है, ठीक है। आइए दोस्तों हम इसमें सप्लाई देते हैं, सबसे पहले वोल्टेज देखेंगे। तो देखिए मीटर को DC 200 के रेंज में सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमारा 110 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए, जो यहाँ से क्वाइल लगाकर, और ये देखिए यहाँ से यहाँ जैक है, और जैक के जरिए दोस्तों ये सप्लाई हॉरिजॉन्टल सेक्शन को गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 110 वोल्ट हम अपना सप्लाई चेक करेंगे। ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर दोस्तों लगा हुआ है, और यह 110 वोल्ट का डायोड है, देखिए डायोड का सिंबल दोस्तों दिखा रहा है। तो आइए सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई दोस्तों हम दिए, देखिए इसमें से चुई चुई की आवाज़ भी दोस्तों आने लगा। यहाँ पर देखेंगे, देखिए दोस्तों हमारा 110 वोल्ट सप्लाई नहीं बन रहा है, यहाँ भी देखेंगे नहीं बन रहा है, इधर भी कहीं भी दोस्तों 110 वोल्ट सप्लाई हमारा ड्रॉप कर रहा है। तो हम करेंगे यह कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सेक्शन की जो सप्लाई है यह जैक द्वारा गया है, इस सप्लाई को दोस्तों हम काट देंगे, हॉरिजॉन्टल सेक्शन की सप्लाई। चलिए टीवी बंद करते हैं। ये जो जैक लगा के और हॉरिजॉन्टल सेक्शन की जो सप्लाई आया है ये पर +B, यहाँ पर दोस्तों जो जैक से कनेक्शन है, इस एक पिच सिरे को दोस्तों हम ओपन कर देते हैं, और ओपन करने के बाद दोस्तों हम पुनः सप्लाई देके चेक करेंगे कि हमारा पावर सप्लाई में वोल्टेज सही होता है कि नहीं। अगर हमारा पावर सप्लाई में वोल्टेज सही हो जाता है तो हमारा प्रॉब्लम दोस्तों हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन को चेक करेंगे। अगर दोस्तों यह पिन ओपन करने के बाद भी दोस्तों हमारा पावर सही नहीं होता है तो हम दोस्तों पावर सप्लाई को चेक करेंगे, हमारा पावर सप्लाई में ही प्रॉब्लम होगा। तो चलिए सबसे पहले इस पॉइंट को दोस्तों ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों हम यहाँ से 110 वोल्ट जो सप्लाई हॉरिजॉन्टल सेक्शन को जाता है, इस पॉइंट को दोस्तों हम ओपन कर दिए हैं, इसका सप्लाई दोस्तों काट दिए हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन का। ये देख रहे हैं ये खाली दोस्तों घर है। अब दोस्तों हम यहाँ से यहाँ जैक लगा हुआ था, तो अब दोस्तों हम सप्लाई देते हैं और सप्लाई नाप के देखते हैं कि अब हमारा वोल्टेज पावर सप्लाई का सही होता है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों हमने टीवी में सप्लाई दे दिए हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे 110 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों 139.38 वोल्ट दिखा रहा है, यह दोस्तों अनलोड है। यहाँ भी दोस्तों वोल्टेज आ गया है, यहाँ दोस्तों वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों हम सप्लाई यहां से काटे हुए हूं। तो ये हमारा अनलोड पे दोस्तों वोल्टेज अभी ज़्यादा दिखा रहा है, दिखाना चाहिए था 110-111 वोल्ट, लेकिन दोस्तों वोल्टेज ज़्यादा दिखा रहा है। चलिए एक टेस्टिंग लैंप लगा के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले सप्लाई को बंद करेंगे, और टेस्टिंग लैंप दोस्तों यही है, 100 वाट का बल्ब दोस्तों जोड़ेंगे 110 वोल्ट की सप्लाई में, नेगेटिव और पॉजिटिव देख लेते हैं, दिखा देते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये नेगेटिव का पिन है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव देंगे। तो ये दोस्तों हम जोड़ दिए। अब दोस्तों हम इसमें सप्लाई देते हैं,
और देखते हैं कि अब वोल्टेज कितना दिखाता है। आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा। चलिए सप्लाई देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सप्लाई दिए 110 वोल्ट पे, तो हमारा बल्ब दोस्तों जल रहा है। यहाँ पर देखिए अब लोड पे कितना दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों 111 वोल्ट यह हो गया है, ठीक है। तो वोल्टेज दोस्तों हमारा सही हो गया है। तो इस टेस्टिंग लैंप से दोस्तों समझ में हमको आया कि हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल सही है। हमारा जो भी प्रॉब्लम निकल के आया दोस्तों हॉरिजॉन्टल सेक्शन में निकल के आया है, ठीक है। तो दोस्तों हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन को चेक करेंगे अच्छी तरह कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम दोस्तों हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर से आता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर दोस्तों ज़्यादा शॉर्ट करता है। तो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर को दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं। मीटर को कंटिन्यूटी मोड में कर दिए हैं, देख लीजिए दोस्तों। और हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर इस हीट सिंक में दोस्तों लगा हुआ है। तो इसका पॉइंट दोस्तों यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ, तो देखिए दोस्तों शॉर्टिंग दिखा रहा है, देख लीजिए, ठीक है। ये दोस्तों हमारा शॉर्ट कर गया है हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर, दोस्तों हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, देखिए। तो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद भी दोस्तों एक बार चेक करेंगे। ज़्यादातर दोस्तों यही खराब होता है, और ये इसी में शॉर्ट लगने की वजह से दोस्तों सप्लाई ड्रॉप कर रहा था। और सप्लाई जब ड्रॉप करता है तो दोस्तों चींची की आवाज़ इससे आ रहा था। ये प्लस 20 पे सप्लाई जाता है, और ESD से होते हुए दोस्तों ये सप्लाई हमारा यहाँ पर पहुँचता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हम इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल दिए हैं, और दोस्तों यह 1803 ट्रांजिस्टर है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यह शॉर्टिंग दिखा रहा है 00, ठीक है। अब मीटर का प्रोड उलट के देखते हैं। देखिए दोस्तों यह दोनों साइड से शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर खराब बता रहा है। ये हमारे पास देखिए नया ट्रांजिस्टर है, यह भी दोस्तों 1803 ही ट्रांजिस्टर है, छोटा वाला, ठीक है। इसको दोस्तों चेक करके दिखाते हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों इसमें कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है एक साइड से, दूसरा साइड से दोस्तों देखते हैं। तो दूसरा साइड से दोस्तों देखिए रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाया, ठीक है। यानी ये नया वाला ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल सही है। ये जो निकाले हैं ये ट्रांजिस्टर दोस्तों हमारा ख़राब है, यही शॉर्ट करने की वजह से दोस्तों चूंची की आवाज़ कर रहा है। तो यह नया ट्रांजिस्टर दोस्तों हम इस किट में लगा देते हैं, चालू हो जाएगा। ये दोस्तों इस हीट सिंक में लगा हुआ था यहाँ पर, देखिए यहीं से खोल के निकाले हैं। ये देखिए खाली है यहाँ पर। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को हम यहाँ लगाएंगे, और इस ट्रांजिस्टर को लगाने से पहले कुछ ये जो PF है, ये कुछ PF, इसको दोस्तों हम थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट के लिए चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लगाएंगे। दोस्तों हमने सब PF चेक कर लिया है, कुछ रेजिस्टेंस भी चेक किए, लेकिन दोस्तों शॉर्ट हमको नहीं दिखाया है, हमारा यही शॉर्ट है। तो दोस्तों हम ट्रांजिस्टर को इसमें बैठा दिए हैं। अब चलिए दोस्तों इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, तभी दोस्तों आप समझिएगा। तो ये तो दोस्तों हम ट्रांजिस्टर सोल्डरिंग कर दिए। अब दोस्तों 110 वोल्ट जो यहाँ पर जैसे सप्लाई जैसे जा रहा था जैक से हॉरिजॉन्टल सेक्शन को, तो इस सप्लाई को भी दोस्तों हम जोड़ देंगे, तभी तो दोस्तों हमारा सप्लाई जाएगा, तो पता चलेगा हमारा TV सही हुआ कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों हम यह सप्लाई भी जोड़ दिए, ट्रांजिस्टर भी दोस्तों हम लगा दिए। अब TV में दोस्तों हम सप्लाई देंगे और देखेंगे कि TV हमारा स्टार्ट होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए TV में सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों हम TV में सप्लाई दे दिए हैं, TV हमारा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 110 वोल्ट जो पहले नहीं आ रहा था, देखिए दोस्तों वोल्टेज हमारा आ गया है, देख रहे हैं वोल्टेज हमारा ओके हो गया है, ठीक है। लोड पर दोस्तों वोल्टेज 111 वोल्ट हो गया है, और TV की स्क्रीन पर दोस्तों लाइट भी आ गया। चलिए TV का स्क्रीन दिखाएंगे, तो किट दोस्तों हम सीधा कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों हम TV में सप्लाई देते हैं, किट सीधा कर दिए हैं, अब आपको सामने से स्क्रीन दिखाएंगे। तो दोस्तों हम TV में सप्लाई दे चुके हैं, देखते हैं कि हमारा स्क्रीन पर लाइट आता है कि नहीं। तो दोस्तों हमारा स्क्रीन पर लाइट आ गया, स्क्रीन देख लीजिए, देखिए दोस्तों, ठीक है। तो यह TV दोस्तों पूरी तरह सही हो गया है। इसमें हम ये भी कोट लगाएंगे तो पिक्चर भी दोस्तों आ जाएगा। चलिए लगा के दिखा भी देते हैं। दोस्तों हम TV में सप्लाई दे दिए हैं, देखिए ये भी कोट दोस्तों हम यहाँ पर लगा दिए हुए हूँ, ठीक है। अब दोस्तों हम TV को ये भी कर लेते हैं, और दोस्तों TV की स्क्रीन पर पिक्चर हमारा आ गया है, देख लीजिए, देखिए दोस्तों, ठीक है।
इसमें दोस्तों साउंड आपको नहीं सुना रहा होगा क्योंकि दोस्तों हम स्पीकर का कोड निकाले हुए हूँ। चलिए लगा के दिखा देते हैं, देख लीजिए। देखिए हम ये भी हम कोड लगा दिए। देखिए दोस्तों हमारा हमारा साउंड भी आ गया है, थोड़ा सा साउंड कम करते हैं। दोस्तों हम साउंड कम कर दिए हैं, चलिए एक बार पिक्चर और साउंड दोनों दिखा देते हैं, देख लीजिए। ठीक है तो दोस्तों यह टीवी पूरी तरह सही हो गया है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो बाईं साइड अंगूठे के निशान को टच करें, एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कीजिए। और भी दोस्तों सीआरटी टीवी से रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जाकर वीडियो का लिंक वहां पर मिलेगा, आप जाकर उस लिंक को टच कर वीडियो देख लीजिए, या एंड स्क्रीन पर भी दोस्तों लिंक मिलेगा, उस लिंक को टच कर दोस्तों वीडियो देख लीजिए और आगे का फॉल्ट के विषय में दोस्तों ध्यान से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।